सुनो, लास्ट टाइम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब चल रहा था तो वहां पर कुछ स्पेशल टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र हो रहा था। पहला हम लोगों ने क्या किया था, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, याद आया? जीरो ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो जिस एलिमेंट को भी पकड़ेगा उसकी इमेज को कहां भेजेगा, दूसरे वेक्टर स्पेस के जीरो पर भेजेगा। जीरो का मतलब आइडेंटिटी पर भेजेगा, ठीक। इसके बाद फिर हम लोगों ने बात की थी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन वो होता है जो सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस में काम करता है। और आई बी द मैप फ्रॉम बी टू बी, और इसका बिहेवियर होता है कि जिस भी एलिमेंट पर काम करेगा उसको बिना चेंज किए हुए एज इट इज कितना छोड़ देगा, अल्फा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये बात जो लिखी गई है, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू द कैपिटल बी के लिए लिखी जाएगी, ये भी हुआ था। इसके बाद एक और ट्रांसफॉर्मेशन की बात आई थी, दैट्स कॉल्ड द नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन में कहा गया था कि अगर आपके पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल टी है तो निश्चित तौर पर आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन माइनस टी एग्जिस्ट किया होगा। बिहेव ऐसा होगा कि वो ऑपरेट किस पर करेगा, अगर टी इमेज ऑफ अल्फा बीटा आ रही है तो माइनस टी इमेज ऑफ अल्फा माइनस बीटा आ रही है। याद आया? कहते हैं कि जहां पर आपका मेन ट्रांसफॉर्मेशन आपको भेजता है, अगर टी अल्फा पर ऑपरेट करता है और अल्फा को भेजता है किस पर, बीटा पर, तो एक जो नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा माइनस टी, वो जिस दिन अल्फा पर ऑपरेट करेगा वो इसको बीटा के अपोजिट यानी कि कहां पर भेजेगा, माइनस बीटा पर। क्लियर हुआ? कई लोगों को इसमें यही नहीं समझ में आ रहा है, हमारे परिचित में जो लोग हैं ना वो ट्रांसफॉर्मेशन का बिहेव ही नहीं जान पाए कि ट्रांसफॉर्मेशन काम कैसे करता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या समझते हो, एक लाइन में समझो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलाव, आप में बदलाव किया जा रहा है और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है जो तुम इसको दिमाग पे, वो दिक्कत ये है ना, ये अंकित कहां है, वो बैठे हैं अंकित, वो और ये रितेश, तुम दोनों लोगों की बातें है ना, दोनों लोगों को ये नहीं पता चल पाया कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन केवल और केवल आपके बदलाव का एक रूल है, बस केवल एक रूल है। जैसे कभी कभी हम यहाँ पर पढ़ाने की शुरुआत करें और पता है कि रेगुलर सेकेंड ईयर की क्लास इस कमरे में चलती है, संडे की एक्स्ट्रा क्लास में मेरा मूड बदल जाए, संडे की एक्स्ट्रा क्लास में हम कहें अकेले हमको पढ़ाना, ना विपिन पढ़ाएंगे ना शशांक पढ़ाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है सब लोगों को एक ही कमरे में पढ़ाएंगे। तो सोचो उस दौरान हम मैनी टू वन हो गए, हमने क्या किया, फर्स्ट ईयर की भी क्लास को किसमें रखा, सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर की क्लास भी बैठी किसमें, सेकंड ईयर में, और थर्ड ईयर भी बैठा किसमें, सेकंड ईयर में, एक ही कमरे पर सबकी इमेज बनी कि नहीं, ये क्लास किसकी है, थोड़ी देर के लिए क्लास फर्स्ट ईयर की हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए सेकंड ईयर, थोड़ी देर के लिए थर्ड ईयर, इसका मतलब तीनों एलिमेंट एक ही जगह पर मैप हो गए कि नहीं हो गए, ये इमेज हुआ। और या तो हम ये कह दें कि हम इधर सेकंड ईयर पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट ईयर वालों को गए, फर्स्ट ईयर वाले तुम लोग जब तक आ रहे हो बगल वाले में बैठते जाओ, तो अब सोचो इधर हम पढ़ा रहे हैं किसको, सेकंड ईयर को, और सेकंड ईयर की छुट्टी कर दिए तो चले गए उधर पढ़ाने के लिए किधर, फर्स्ट ईयर, और जब थर्ड ईयर आया तो थर्ड ईयर के लिए बगल वाले कमरे में बैठते रहो, तो अब की बार सोचो हम दो जगह मैप कर रहे हैं, दो एलिमेंट एक कमरे में मैप हो रहे हैं, कौन कौन, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर एक कमरे में, और फर्स्ट ईयर की मैप कहां भेज दी अलग, इसी रूल को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। ये रूल जब यहां पर लिखा जाता है तो इस तरीके से काम कर रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखना, R2 से R2 की मैप कर रहे हैं, टी बी द मैपिंग फ्रॉम R2 से लेकर के किसके बीच में, R2 के बीच में। अब R2 की बात है तो एक तरफ आपके पास होगा x एक्सेस, एक तरफ होगा y एक्सेस, और आपका ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड हो गया कि टी इमेज ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू x प्लस टू कॉमा वाई प्लस, ये इमेज कह दिया, ये रूल आपको बता रहा है। रूल कह रहा है कि जब आप एक कोऑर्डिनेट x कॉमा y, मतलब एक पॉइंट x कॉमा y उठाओगे तो वो पहले से जब दूसरे में इमेज लिया जाएगा तो वो एक्स कोऑर्डिनेट को कितना आगे शिफ्ट करेगा, दो, और वाई को तीन, ये इतना आगे शिफ्ट कर देगा। इसका मतलब इधर बगल भी कौन बन गया, आर टू। अब कर इधर हम ओरिजिन को पहले उठा दें, जो आज ओरिजिन जीरो जीरो है, जब ट्रांसफॉर्मेशन इस पर काम करेगा तो इसमें बदलाव लाएगा, और बदलाव कैसा लाएगा, वो कहेगा हम तुमको चेंज करके भेजेंगे किस पर, जीरो कामा जीरो को भेजेगा जीरो प्लस टू कामा जीरो प्लस थ्री यानी कि टू कामा थ्री पर। अब बोलो यक्स एक्सिस पर दो यूनिट चलो और वाई पर तीन यूनिट, एक दो तीन, यानी यहां टू कामा, सोचो शिफ्टिंग क्या हुई, इनको उठा करके इनको मैप कर रहा है, जो आज जीरो जीरो यहां नजर आ रहा है, जिस दिन ट्रांसफॉर्मेशन इस पर काम करेगा ट्रांसफॉर्मेशन इसको पलट करके कितना कर देगा, टू कामा थ्री। क्लियर हुआ?
फिर अगला सुना, जैसे मान लो यहां पर आया, ये है 1, 0, इस पर जब काम करेगा तो x एक्सिस में कितने का, सॉरी x कोऑर्डिनेट में कितने का इंक्रीजमेंट, 2 का, और y में 3 का, तो ये हो गया 3, 3, तो इसको भेजेगा किस पर, 3, 3 पर। अब 3, 3 का मतलब इधर आए तो 3 यूनिट, और यहां चढ़े तो 1, 2, 3 यूनिट, 3, 3 सेंड किया कि नहीं। अगर हम यहीं पर आगे करें, सोचो यहां पर हम ले रहे 2, 0, तो 2, 0 को कहां भेजेगा, 2 में कितने का इंक्रीजमेंट, 2 का, तो 4, 3 पर, 4, 3 का मतलब ये यहां 4, 3। तुम एक चीज गौर करो, ये x एक्सिस के पॉइंट को उठा रहा है और इधर एक लाइन पर ही मैप कर रहा है, तो इधर वाले के साथ भी तो यही बिहेव करेगा, मतलब x एक्सिस को जब इधर पूरा का पूरा मैप कर रहा है तो x एक्सिस को दूसरी तरफ x एक्सिस नहीं बना रहा, बल्कि x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना रहा है जिस लाइन की हाइट कितनी है। पता चला ट्रांसफॉर्मेशन तुम दोनों लोगों को, कई लोग और भी होंगे ना, उनको भी ये ट्रांसफॉर्मेशन आज तक नहीं पल्ले पड़ा था कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या। ट्रांसफॉर्मेशन का बस एक मतलब था, वो गणितीय व्यवस्था मत समझो उसको, वो केवल और केवल बदलाव का एक रूल है, बस आप में बदलाव आया, जो आप पहले थे वो अब आप नहीं, और आपका ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है, तो इसका मतलब अगर कोई लीनियर बनना चाहता तो उसको खास प्रॉपर्टी पूरी करनी पड़ती है, उसकी अलग कैटेगरी बना दीजिए। दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन की कैटेगरी होती है, उसमें से एक कैटेगरी हो गई लीनियर होना। तो कहा गया कौन कौन लीनियर है, वो लीनियर है जो दो प्रॉपर्टी पूरा करते हैं, कौन कौन सी, चाहे पहले अल्फा प्लस बीटा को ऐड कर दो, पहले अल्फा और बीटा ऐड कर दो, इधर आप एक एलिमेंट चुनो अल्फा, इधर एक चुन लो कितना बीटा, चाहे पहले अल्फा बीटा को ऐड कर दो और उसके बाद रिजल्ट निकालो, और चाहे अल्फा की अलग इमेज निकालो बीटा की अलग इमेज, और इमेज को आपस में ऐड करो, दोनों रिजल्ट कैसे आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी आपके ऊपर ये लगाई गई कि चाहे अल्फा में सी का मल्टीप्लाई करके तब इमेज निकालो, और चाहे पहले अल्फा की इमेज निकाल लो और फिर आप उसको सी टाइम्स करो, रिजल्ट कैसा रहेगा। जितने ट्रांसफॉर्मेशन इन दो बिहेवियर को पूरा कर ले जाएंगे वो सब आपके क्या बन जाएंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उस दौरान साफ बात आती है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जीरो की इमेज को कहां भेजेगा, जीरो पर भेजेगा। क्या इसने जीरो की इमेज को जीरो पर भेजा, इसने जीरो की इमेज को कहां भेज दिया, 2, 3 पर। तो इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर नहीं हो सकता, इस पर रोक लगनी पड़ेगी। अभी कुछ समझ में आया ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का केवल एक सॉलिड सा मतलब होता है बदलाव, बस आपके अंदर बदलाव लाया जाना है। जैसे हम जब तुमको पढ़ाते हैं ना तो हम तुम्हारे लिए ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर बिहेव करें, बदलाव ही तो है अपना। सोचो पहले अपने लोग सेकंड ईयर में आए तो सेकंड ईयर का कुछ नहीं पता था, सेकंड ईयर में क्या है बस सिलेबस अपने को पता लग गया, सिलेबस होता है लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर क्या होता है नहीं पता था। फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हो, किसी फर्स्ट ईयर के लड़के से पूछे फील्ड बताओ रिंग बताओ, बता सकता है, फर्स्ट ईयर का है। लेकिन सेकंड ईयर वाले लड़के से अगर यही चीज कहेंगे फील्ड बताओ रिंग बताओ, वो भी बता सकता है क्योंकि ऑलरेडी वो उस बदलाव से गुजर चुका है। लेकिन सेकंड ईयर वाले लड़के से जिसने अभी केवल सेकंड ईयर में एडमिशन लिया है, उससे हम कहें कि बताओ होमोजीनियस इक्वेशन या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्या वो बता पाएगा, नहीं उसने पढ़ा ही नहीं है। तो इसका मतलब उसके ऊपर टीचर ने वर्क किया तो उसके बाद फिर उसके अंदर बदलाव आया, वो देखा हाँ ये होता, उसके दिमाग में एक मैपिंग खिंच गई, जो चैप्टर आज तक उसके लिए केवल और केवल काला अक्षर था वो चैप्टर अब उसके दिमाग में खिंच गया, अच्छा ये तो वही डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस, और उसके बाद फिर देखेगा फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, ये किससे सॉल्व होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के सॉल्व, अब मैपिंग बननी चालू हुई। तो ये क्या हुआ, पढ़ाया जाना भी एक क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ठीक, गधे स्टूडेंट है और टीचर पढ़ा करके गधे गधे रह दिया तो टीचर लीनियर हो गया, तब तो लीनियरिटी हो गई ना। एक टीचर को लीनियर नहीं बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर बिहेव करेगा तो पता चलेगा सेकंड ईयर में एडमिशन लिए हुए सारे लोग जब यहां से निकल करके जाएंगे तो फर्स्ट ईयर के ही रहेंगे, वो सेकंड ईयर में आए नहीं, क्योंकि वो सेकंड ईयर के रिस्पेक्ट में कैसे थे, जीरो, और उनकी इमेज भी कितनी बन गई, जीरो। नॉन जीरो रहो तो तुम्हारी इमेज नॉन जीरो पर जाएगी, पता चले स्टूडेंट को कुछ नहीं आ रहा, उसको पढ़ाया गया फिर भी उसको कुछ नहीं आता, तो दैट्स द जीरो की इमेज कितनी रह गई, जीरो। ये लीनियरिटी की पहली प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको पहले लीनियरिटी की प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ेगी, और कुछ नहीं हो सकता है। कुछ घुसा दिमाग में तुम दोनों लोगों के, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ना खाली एक ऐसे ही गणितीय व्यवस्था ना समझना, लिख दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सीधा सीधा बदलाव होता है। बाइक चलाते हो ना, जब दो बार किक मारते हो ना घुचुर घुचुर, तो पता चलता है उसमें ना स्पार्किंग होती है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है।
वो थोड़ा सा पेट्रोल भेजता है, जहां आग रहती है स्पार्किंग होती है, तो पता चलता है इंजन आपका एक्टिवेट हो चुका है। और इंजन फिर क्या करेगा, इंजन वहां से एनर्जी को लेगा, सॉरी पेट्रोल को लेगा, और पेट्रोल को चेंज करेगा किसमें, एनर्जी में। ट्रांसफॉर्मेशन है, पेट्रोल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और पीछे धुआं भी कन्वर्ट हो रहा है, तो वहां ना लीनियरिटी से भी ज्यादा डबल लीनियर चल रहा है वो। चलो हेडिंग डालो, इतना गीता दोहन किए हैं, अब ना कहना कि लीनियर ट्रांसफार्मर सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पता है। हाँ ये दोनों लोग, इनको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पता था, वहां जाकर पूछे ट्रांसफॉर्मेशन में काम कैसे होता है। प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो मैट्रिक सारा क्वेश्चन तुम लोगों को घर से कर लेंगे, हो गया ना। प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हेडिंग डालो, एक्चुअली दिक्कत ये होती है ना सेकेंड ईयर के जितने स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम उसमें से ना इसका फिजिकल बिहेवियर पढ़ना नहीं चाहते, वो इसको बस देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है एक टॉपिक है पढ़ रहे हैं, टॉपिक है पढ़ रहे हैं, नहीं इसका फील है। चाय बनाओगे तो ट्रांसफॉर्मेशन, दाल बनाओगे तो ट्रांसफॉर्मेशन, मंजन करोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन, और नहीं तो क्या, मंजन करोगे तब भी निकालोगे क्या, ठोस निकालोगे उसका, ठीक है अब थोड़ा सा पानी मिला करके गिचिर गिचिर दाते किए पड़े हो, ठीक पूरे मोहल्ले में घूम रहे हो, कर पड़ रहे हो, अब उसके बाद निकाल क्या रहे हो, झाग निकाल रहे हो ना, सामने वाला देखा कि कहेगा भैया जार खाया फिचक निकलता। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपना मोहल्ले में ब्रश करते हुए मत घूमना, ऐसे लोग बहुत खराब होते हैं, ब्रश करते हुए आकर के सामने बच जाते हैं, इधर ब्रश किए जा रहे हैं, हम गए लग रहा हूँ हम अरे वो तो लिखो फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस, फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस यू ओवर एफ इंटू अ वेक्टर स्पेस, इंटू अ वेक्टर स्पेस v over f, then one by one एक एक प्रॉपर्टी लिखेंगे, एक एक प्रूफ करते जाएंगे, ऑलरेडी एक बार प्रूफ कर चुके हैं, बताएं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी ऑलरेडी एक बार प्रूफ कर चुके हैं, जरा कॉपी हमको दिखाओ, उनको रोक के पहले भाई हम गणित पढ़े हैं, मिल गया होमोमार्फिज्म ओपन करो, देखो वहां पर कुछ लिखे हुए हैं, थ्योरम लिखी हुई है, इफ एफ बी द मैपिंग फ्रॉम यू टू बी इज अ होमोमॉर्फिज्म देन एफ इमेज ऑफ जीरो इज इक्वल टू अगेन जीरो, जो होमोमॉर्फिज्म होता है ना, यहाँ लीनियर अलजेब्रा में जो हम पढ़ रहे हैं, ये होमोमॉर्फिज्म लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही पढ़ रहे हैं, यही प्रॉपर्टी हम दोबारा लिखने चल रहे हैं, याद करो अब तो प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, जीरो की इमेज कहाँ भेजेगा, जीरो पर, एफ इमेज ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस एफ इमेज ऑफ अल्फा, याद आ रहा है, और उसके बाद लीनियरिटी है तो लीनियरिटी के साथ एफ इमेज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ बीटा, यही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है, एफ इमेज ऑफ ए अल्फा बराबर ए बाहर एफ इमेज ऑफ अल्फा, इसी बात को हम लोग वापस लिखने चल रहे हैं, वहां हम कहे थे जब होमोमॉर्फिज्म पढ़ा तभी बोले थे, यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर खोलेंगे फिर चर्चा करेंगे वापस, पहली प्रॉपर्टी ये है टी इमेज ऑफ जीरो वेक्टर इज इक्वल टू अगेन जीरो वेक्टर, अब भैया हम सबको बता रहे हैं इससे बिल्कुल मत कंफ्यूज होना कि वहां सर एफ लिखे थे यहां सर टी लिखे, ये दोनों बिहेव एक जैसा है, अलग अलग नहीं है,
कुछ दूसरा नहीं, ये वही है, कोई और नहीं। जब तक आप अलजेब्रा में नहीं घुसोगे तब तक आप इसका अंतर नहीं, तब तक ये यहां पर सेम टू सेम चल रहा है इसी प्रॉपर्टी के साथ। तो T इमेज ऑफ जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, वेयर वेयर इन लेफ्ट हैंड साइड। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की बात करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड का जो जीरो वेक्टर है ये किसका है, डोमेन का यानी यू का, एंड इन आर एच एस जीरो वेक्टर बिलोंग टू द कैपिटल वी। चाहे तो जीरो डैश कर दो कोई दिक्कत नहीं, तो इधर जीरो डैश बिलोंग टू द कैपिटल वी हो जाएगा। अब ये दोनों सुनो, ये दोनों जीरो वेक्टर सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर आपका वेक्टर स्पेस सॉरी आपकी मैपिंग सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस जा रही है तो सोचो R3 से R3 मैपिंग हो गए, R3 में जीरो वेक्टर कौन होगा, जीरो जीरो जीरो, और उधर भी कौन होगा, जीरो जीरो जीरो, तो सेम भी रहेगा। और R3 से मैपिंग R4 में कर दो तो इधर 3 टपल का होगा उधर 4 टपल का होगा, अंतर आया। पॉलिनोमियल की दुनिया से मैट्रिक्स में मैपिंग ले लो तो इधर तो पॉलिनोमियल में होगा जीरो वेक्टर और उधर किस में होगा, नल मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा, कंफर्म हुआ। तो ये दोनों जीरो वेक्टर सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। चलो प्रूफ करते हैं। मेरे ख्याल से तुम लोग हमको प्रूफ बता सकते हो, बता सकते हो कैसे शुरुआत करेंगे। टेक वेक्टर अल्फा बिलोंग टू द यू, हाँ यू ओवर एफ ठीक है, और फिर देन टी ऑफ अल्फा इज बिलोंग टू द कैपिटल बी, यही ठीक। नाउ अब क्या लें, टी इमेज ऑफ अल्फा प्लस जीरो ठीक, ये जीरो या जीरो डैश, जीरो डैश इज इक्वल टू टी ऑफ अल्फा ठीक है। अब अल्फा को अल्फा प्लस इसको क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस जीरो ठीक है। बोलते रहो हम कुछ नहीं जानते। टी इमेज ऑफ वेक्टर अल्फा प्लस जीरो डैश इज इक्वल टू टी इमेज ऑफ वेक्टर अल्फा प्लस जीरो ठीक। और कैपिटल टी कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर, तो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, यानी दिस इंप्लाइज दैट टी इमेज ऑफ वेक्टर अल्फा प्लस जीरो डैश इज इक्वल टू टी इमेज ऑफ अल्फा प्लस टी इमेज ऑफ जीरो। और मुझको पता है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई हो सकता है क्योंकि ग्रुप तो है ही है, यूजिंग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ये वो कैंसिल आउट हुआ, टी इमेज ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। प्रूफ कर लिख दिया पटाखा, चलो कम से कम याद देते हैं। कौन स्ट्राइक पी रहा था, यूरोपियन स्ट्राइक पी कौन, हम पी सकते हैं हमारा कुछ नहीं, लेकिन हम यहाँ नहीं पीएंगे। अरे चलती क्लास में हम ऐसे स्प्राइट करें, नो चमत्कार, सिर्फ गणित बुझाए यार। लिख लो तो फिर आगे चलें, फिर अगले पर तक इनको बंद कर दिया जाए। चलो अगली प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं, लिखना अगली प्रॉपर्टी जान लो, टी इमेज ऑफ माइनस अल्फा बराबर माइनस टी इमेज ऑफ अल्फा। दूसरी प्रॉपर्टी सेकंड, टी इमेज ऑफ माइनस वेक्टर अल्फा इज इक्वल टू माइनस टी इमेज ऑफ अल्फा फॉर अल्फा बिलोंग टू द डोमेन यू, जिनको उधर कंफ्यूजन थी इधर अपनी सारी कंफ्यूजन दूर कर लेना। फिर वापस बता रहे हैं इसका भावार्थ ये होता है कि आप माइनस अल्फा की इमेज निकाल लो, चाहे तो आप माइनस अल्फा की इमेज निकाल लो और चाहे पहले आप अल्फा की इमेज निकाल के उसका नेगेटिव ले लो ठीक। दोनों रिजल्ट आपस में कैसे बैठेंगे, एक बराबर, मतलब अगर हम इसको इस तरह ग्राफिकली समझाएं, अगर इस साइड मेरे पास एक वेक्टर है कौन अल्फा
और हम कह रहे हैं कि ये एक वेक्टर स्पेस है यू ओवर एफ। तो किसी भी वेक्टर स्पेस में, किसी भी वेक्टर स्पेस में एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी बिलोंग करता है, क्योंकि वेक्टर स्पेस है तो एडिशन ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप तो बनाएगा। तो ऑब्वियस बात है कि इस अल्फा के लिए हमको इस पूरे हिस्से में कहीं ना कहीं पर माइनस अल्फा भी मिलेगा ही मिलेगा, माइनस अल्फा। अब ये कह रहे हैं कि चाहे तो आप इस मिले हुए माइनस अल्फा की इमेज निकाल लीजिए। फिर बात सुनना, अल्फा और माइनस अल्फा बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये बात सहमत हो कि नहीं सहमत हो? अल्फा एंड माइनस अल्फा मे और मे नॉट बी इक्वल, बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। एग्जाम्पल के तौर पर ना जीरो वेक्टर, अल्फा बराबर जीरो लो तो माइनस अल्फा भी कौन होगा? जीरो वेक्टर। हो गया बराबर कि नहीं? और डिफरेंट वाले के लिए तो भरे पड़े हैं, वन कॉमा टू माइनस वन कॉमा माइनस टू, ठीक। तो एक अल्फा और दूसरा हमने कौन सा ले लिया? माइनस अल्फा। कहते हैं कि अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है तो चाहे तो आप सबसे पहले सीधे माइनस अल्फा की इमेज ले लीजिए, इनसे इनके बीच में ट्रांसफॉर्मेशन टी काम करा है। तो इसका मतलब हम एक इमेज लेते हैं टी इमेज ऑफ माइनस अल्फा, और मान लिया टी इमेज ऑफ माइनस अल्फा यहां कहीं पर आ जाती है बीटा, कहीं पर आ गई बीटा। फिर ये कह रहे हैं चाहे आप ऐसा काम कीजिए और चाहे आप एक काम कीजिए, पहले आप अल्फा की इमेज निकाल लीजिए और अल्फा की इमेज निकाल करके उसका क्या कर दीजिए, नेगेटिव, रिजल्ट बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ अल्फा की इमेज कितनी आ रही होगी, अल्फा की इमेज माइनस बीटा, टी इमेज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कितना? माइनस बीटा। तो बोलो माइनस टी इमेज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कितना? सही या गलत? दोनों बराबर आने, यही ट्रांसफॉर्मेशन है। कहा जाता है कि चाहे तो आप पहले अल्फा की इमेज निकाल लीजिए, उसका नेगेटिव कर दीजिए, और चाहे आप सीधे माइनस अल्फा की इमेज निकाल लीजिए, दोनों रिजल्ट आपस में कैसे बैठेंगे? एक बराबर बैठेंगे, इनका रिजल्ट डिफरेंट होने वाला नहीं है। किसी को इस बात में कंफ्यूजन है? चलें लिखा जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लें, कोई भी लीनियर लिख लेना है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन देखना, टी इमेज ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई कॉमा एक्स, पलट दिया, एक्स एक्सिस को भेज दिया किस पर? वाई पर। वाई को भेज दिया किस पर? एक्स पर। इतना ही तो हुआ, अब गौर करना। इधर एक वेक्टर चुन रहे हैं, मान लो वेक्टर हमने चुन लिया इधर पूरा धुर नेगेटिव दिखाएंगे, माइनस टू कॉमा माइनस थ्री, ये लिया माइनस टू कॉमा माइनस थ्री, तो निकालेंगे टी इमेज ऑफ, टी इमेज ऑफ माइनस टू कॉमा माइनस थ्री। इसका मतलब वास्तविकता में हम निकाल रहे हैं टी इमेज ऑफ माइनस टू कॉमा, आया ना? ये कौन है? ये अल्फा है, तो हम निकाल रहे हैं टी इमेज ऑफ माइनस अल्फा। अब बताना टी इमेज ऑफ माइनस अल्फा, माइनस अल्फा कौन है? माइनस टू कॉमा माइनस थ्री। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है? पलट देगा बस खाली, तो उधर इमेज कितना बनाएगा? माइनस थ्री कॉमा माइनस टू। तो इसका मतलब माइनस थ्री कॉमा माइनस टू किसमें पड़ेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा, तो यहां पर आ गया ये माइनस थ्री कॉमा माइनस कहीं पर एक इमेज, ये रहा, इसकी इमेज को इसने भेज दिया यहां पर। अब गौर करना, ये इमेज है टी इमेज ऑफ माइनस अल्फा। अब हम क्या करेंगे? पहले हम टी इमेज ऑफ अल्फा निकालेंगे और बाद में हम टी इमेज ऑफ अल्फा का क्या कर देंगे? नेगेटिव करेंगे। तो सोचो अल्फा कौन है? अल्फा टू कॉमा थ्री, अल्फा सिर्फ अल्फा टू कॉमा थ्री, ये तो माइनस अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा टू कॉमा थ्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यहां कहीं पर टू कॉमा थ्री। और इसकी टी से इमेज निकालते हैं, टी इमेज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू थ्री कॉमा टू, किधर जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया थ्री कॉमा टू, और करें अब आप इसका क्या कर दो? नेगेटिव। और इसका नेगेटिव करने का मतलब ये है टी ऑफ अल्फा, और अब हम बैठा देंगे इसके आगे क्या? नेगेटिव। नेगेटिव बैठाओगे तो ये पॉइंट यहां नहीं बल्कि कहां मिलेगा? माइनस थ्री कॉमा टू, वापस यहां शिफ्टिंग हो जाएगी कि नहीं? सोचो ये शिफ्टिंग इधर वाली, जब आप ये करते हो ना टी इमेज ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस टी इमेज ऑफ अल्फा, तो चाहे तो आप सीधे चले जाओ और चाहे आप रास्ते से होकर के उधरो, पहले अल्फा की इमेज को भेजो किस पर? टी ऑफ अल्फा पर, और फिर उसका निगेटिव लेकर के आओ माइनस में।
क्लियर हुआ? रिजल्ट आपस में कैसा बैठेगा? एक बराबर बैठेगा। कब? अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है तब। लीनियर नहीं होगा तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटी है। चलो इनको भी प्रूफ करते हैं। ये तो पहले वाले से प्रूफ होगा, जीरो से, जीरो की इमेज जीरो पर भेज रहे थे, तो पहले टी में जब आप जीरो इज इक्वल टू जीरो करें और अंदर वाले जीरो की जगह पर बैठा है अल्फा प्लस माइनस अल्फा, शुरुआत करना। लिखना सिंस टी इमेज ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो डैश, दिस इंप्लाइज दैट t इमेज ऑफ अल्फा प्लस माइनस वेक्टर अल्फा इज इक्वल टू, दूसरी तरफ, दूसरी तरफ क्या लिखें, t इमेज ऑफ अल्फा प्लस खोपड़ी चल रही है, टी ऑफ अल्फा प्लस माइनस टी ऑफ अल्फा। अच्छा टी लीनियर है, टी लीनियर है तो सुना किधर से लीनियर टी दिखाएं, दिस इंप्लाइज दैट टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ माइनस अल्फा, इधर तो ऐसे ही यानी दो टी ऑफ अल्फा, लेकिन याद करो हम कहते हैं अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन टी है तो उसका एक नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आया ना? तो क्या ये नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं? मेरा ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मेशन कौन है? टी, और ये कौन है? नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन माइनस टी। कैसे बिहेव करेगा? माइनस टी इमेज ऑफ, सही या गलत? क्या यूज करें, एलसीएल आरसीएल? एलसीएल, एलसीएल यूजिंग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, और ये दोनों कैंसिल आउट होगा, टी इमेज ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस टी इमेज ऑफ अल्फा। चूंकि हमने अल्फा कोई पर्टिकुलर तो लिया नहीं था तो आगे लगा दो फॉर ऑल वेक्टर अल्फा बिलोंग टू द मेन वेक्टर स्पेस, ये रहा। या तो आप सीधे माइनस अल्फा की इमेज निकाल लीजिए या तो आप अल्फा की इमेज निकाल करके उसका नेगेटिव कर दीजिए, रिजल्ट कभी भी बदलेगा नहीं अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है तो, ये रिजल्ट हमेशा सेम बना। हो जाएगा तो बताना। ये करवा दूं तो एक दो न्यूमेरिकल अच्छे अच्छे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के, उनको घुमा लेते हैं, छूट गए हैं। अगली प्रॉपर्टी याद है, तीसरे नंबर पर क्या था? तीसरे नंबर पर प्रॉपर्टी T इमेज ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू T ऑफ अल्फा माइनस T ऑफ बीटा, लिखना T इमेज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। सुनो लिखा ऐसे जाता है, समझा ये जाता है, चाहे आप दोनों वेक्टर का पहले ही डिफरेंस निकाल लो, अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस ही तो है, चाहे आप दोनों वेक्टर का पहले ही डिफरेंस निकाल लो और आए हुए डिफरेंस की इमेज निकालो, चाहे आप अल्फा बीटा की पहले इमेज निकाल लो और इमेज का डिफरेंस निकालो, रिजल्ट बदलेगा नहीं, वो हमेशा बराबर रहेगा। एक तरफ क्या लिख रहे हैं, टी इमेज ऑफ अल्फा माइनस बीटा, मतलब लिखा गया है टी इमेज ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा बराबर टी इमेज ऑफ अल्फा माइनस टी इमेज ऑफ बीटा, यानी लिखा गया है बराबर डिफरेंस
डिफरेंस बिटवीन देयर इमेजेस, डिफरेंस बिटवीन देयर इमेजेस, इमेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन देयर इमेजेस. चाहे आप इमेज निकाल के तब डिफरेंस लीजिए, और चाहे पहले आप अल्फा और बीटा का डिफरेंस निकाल लीजिए तब आप इमेज निकालिए, रिजल्ट बदलेगा नहीं. रिजल्ट आपस में हमेशा कैसा रहेगा, एक बराबर रहेगा. ये बात समझने की है, ये बात मैथमेटिकली लिखने की है. कई लोग इसको फ्लैट लिखते हैं, फ्लैट पढ़ते हैं, फ्लैट याद करते हैं, टी इमेज ऑफ और टू बी एच के फ्लैट बन जाते हैं. टी इमेज ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टी ऑफ अल्फा माइनस टी ऑफ बीटा. पढ़ो ये, ठीक है, ये आसान है पढ़ने में, रिदम में आ रहा है. लेकिन फील इसका क्या है, फील इसका ये, अगर मेरा ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है, ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए. ये नहीं इधर डिफरेंस निकाल लो अल्फा बीटा का, उधर निकाल दो टी इमेज ऑफ बीटा माइनस टी इमेज ऑफ अल्फा, पलट जाएगा पूरा. ठीक, तो आप इधर इस तरफ डिफरेंस बिटवीन देयर इमेजेस, डिफरेंस बिटवीन मेन वेक्टर्स इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन देयर इमेजेस, ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए. ये याद रखना, पहले अल्फा माइनस बीटा किया तो उधर भी टी ऑफ अल्फा माइनस टी ऑफ बीटा करोगे, इधर बीटा माइनस अल्फा कर दिया तो उधर भी क्या करोगे, टी ऑफ बीटा माइनस टी ऑफ अल्फा करोगे. क्लियर हुई ये बात, प्रूफ करते हैं. इज इक्वल टू टी ऑफ अल्फा माइनस टी ऑफ बीटा फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग टू द यू ओवर एफ. लेकिन पता जिस एज ग्रुप में हो उस एज ग्रुप में तुमको बड़ा बोरियत भरा लगता है, वो एज ग्रुप की बात है ना. जब भी आप किसी कोर्स को पढ़ रहे होते हो तो आपके पास ये होता ना कि टाइम नहीं है, इसको खत्म करना है, नंबर लेना है, ये सारी चीजें. जब जब रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे ना तब तब बोरियत आती है, रेस्ट्रिक्शंस बोरियत लेकर के आता है. और पता चल रहा है जब रेस्ट्रिक्शंस नहीं है तो फिर पढ़ने में वो इंटरेस्टेड है, तब पढ़ने में इंटरेस्टेड है. यही मैथ कहा है, यही मैथ में अगर ना पूरा थ्योरी को मर्ज करके पढ़ना, आराम से पढ़ना थ्योरी को, तो डेविड सीले हैं, गिल्बर्ट स्टर्न हैं, ये अच्छी किताबें हैं जो सिखाने के लिए बनी थी. इन किताबों से पढ़ने पर ना कॉन्सेप्ट आपका डेवलप होता है, तो पता चलता है कि हाँ लीनियर अलजेब्रा विजुअलाइज हो रहा है. विजुलाइज हो रहा है तो इंटरेस्ट आता है. कोई भी चीज अगर विजुलाइज होगी तो इंटरेस्ट आएगा, नहीं होगी तो नहीं आएगा. तुमको एक तो कनस्तर में बंद कर दें और उसका एक गाड़ी में लाद दिया था, अब फिर तुमको कह दें अब चलो तुमको हम पूरी दुनिया घुमा रहे हैं, तुमको बोरियत आएगी. और तुमको एक कार में बंद कर दें और कार के शीशे खुले रहे, दिखते रहे बाहर का, तो तुम कहोगे वो देखो हाथी जाता है, हाथी जाता है, तो तुम ऐसे ही लाओ. तो बस बात वही है, विजुलाइजेशन जो होता है ना, विजुलाइजेशन बड़ी चीज है. चलो शुरुआत करें प्रूफ. अब विजुलाइज नहीं हुआ कुछ भी कह दो, कोई भी थ्योरी कह दो, अगर विजुलाइज नहीं हुआ, जैसे जिन लोगों को ये नहीं विजुलाइज हुआ कि यहां पर आप वेक्टर का डिफरेंस ले रहे हो, वहां पर आप उन्हीं वेक्टर की इमेज का डिफरेंस ले रहे हो, तो वो क्या कहेंगे ना, वो इसको बार बार उनसे कितनों बार पूछो, वो एक के बदले बार बार कहेंगे इधर से दो वेक्टर उठाओ, इधर से निकालो टी ऑफ अल्फा माइनस बीटा, उधर से निकालो टी ऑफ अल्फा माइनस टी ऑफ बीटा, ये बराबर आएगा. उसको ये पता नहीं चल पा रहा है कि आप दो ऑब्जेक्ट उठा रहे हो और दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिफरेंस निकाल के तब इमेज निकाल रहे हो, और दोनों ऑब्जेक्ट की इमेज बना दे रहे हो और फिर इमेज का डिफरेंस निकाल रहे हो, तब ये रिजल्ट बराबर आ रहा है. इसलिए आप लीनियरिटी की प्रॉपर्टी, ये लीनियरिटी की प्रॉपर्टी के अंतर्गत आ रहा है, आप इस बात को नहीं कह पा रहे हो ना. विजुलाइजेशन बहुत बड़ी चीज है मैथमेटिक्स में, खासकर मैथमेटिक्स का हर सब्जेक्ट में विजुलाइजेशन बड़ी चीज है. इवन आप इतिहास भी पढ़ो ना, विजुलाइज होना चाहिए. आप हिंदी भी पढ़ो, विजुलाइज होना चाहिए ना. हिंदी पढ़ रहे हो और पता चल रहा है कि पढ़ते पढ़ते तुम पूरी कवित्व दोहा छंद सब पढ़ते चले जा रहे हो, अंदर कोनो फील नहीं आ रहा है, तो फिर बस बूझे बूझे लाल बुझक्कड़ और न बूझे कोई पैर में चाकी बांध के कोई हिरण न कूदा हो, खत्म कहा. फॉर अल्फा कॉमा बीटा
बिलोंग टू द यू। टी इन एच कहाँ पर? मम्मी से बोलो गाजर खिलाएगा। अच्छा ये बताओ मम्मी, इसमें तुमको देखने की कहाँ जरूरत पड़ रही है? इसमें देखने की कहाँ जरूरत पड़ रही है तुमको? पड़ी नहीं। ये दिख रहा है? अच्छा ठीक है, अब ये दिख रहा है ना, तो इधर मत देखना। अब कॉपी में लिखो पर अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग टू द यू ओवर एफ। सी इमेज ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, सुनो इसको तोड़ करके लिखो, टी इमेज ऑफ अल्फा प्लस माइनस बीटा। आया ना? और लीनियरिटी है, लीनियरिटी है तो जाहिर सी बात है टी डिस्ट्रीब्यूट होगा, टी इमेज ऑफ अल्फा प्लस टी इमेज ऑफ माइनस बीटा, और अभी भी निकाल चुके हो, टी इमेज ऑफ माइनस बीटा निकालो, चाहे टी ऑफ बीटा निकाल के माइनस कर दो, बात बराबर, टी इमेज ऑफ अल्फा माइनस टी इमेज ऑफ बीटा। प्रूफ हो गया, हो गया। आगे लिख देते फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग टू द कैपिटल यू। चौथी प्रॉपर्टी थी, ये हो जाए तो चौथी लिखें सर, ये दो दोबारा कौन सा अल्फा बीटा बिलोंग्स टू, कोई दिक्कत नहीं तो होगा तो यू का ही चार्जर पास लिखे ना, आपको कोई चार्जर बात कहे है? तुम द्विवेदी जी के घर के हो? हाँ मैं। हे तुम द्विवेदी जी के हो? हाँ। हे तुम द्विवेदी जी के घर के हो ना? हाँ हाँ है। अब उसका ये नहीं है, हम मार के नहीं उसे आखिर ये पूछ रहे हैं तुरे घर चले कब है, ये करे तुरे घर चले कब, वो समझ नहीं पाएगा कहे क्या उसको, हो जाए बताओ हटाए इसको। अच्छा फोर्थ प्रॉपर्टी सुनो, फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी डिफिनेशन ही में है, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो उसकी डिफिनेशन में है, जैसे टी इमेज ऑफ सी अल्फा इज इक्वल टू सी टी इमेज ऑफ, ये है, ये तो अपने को डिफिनेशन में लिख दिए, तो इसको लिखे चाहे ना लिखे, फिर भी जिनको अगर लगे ना ये कैसे हो जाता है वो सुनो, T इमेज ऑफ C अल्फा का मतलब होता है अल्फा खुद से कितनी बार ऑपरेट हुआ है, थ्री टाइम्स, तो आप इसको लिख सकते हो T इमेज ऑफ अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस सो ऑन प्लस अल्फा कितनी बार, थ्री टाइम्स। और लीनियरिटी कैसी है? T डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसका मतलब T इमेज ऑफ अल्फा प्लस T इमेज ऑफ अल्फा प्लस सो ऑन प्लस T इमेज ऑफ अल्फा कितनी बार, थ्री टाइम्स। और टी ऑफ अल्फा अगर सी टाइम्स है तो इसका मतलब सी टी ऑफ अल्फा, तो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू सी इनटू टी इमेज ऑफ अल्फा। इसको करने की अपने को कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अपने डिफिनेशन में ही शामिल है, क्लियर हुआ? चौथी प्रॉपर्टी में कुछ और कर दे रहे हैं, यह लिखना है, लिखना हो तो, हालांकि ये तो डिफिनेशन में ही शामिल है इसलिए लिखने कोई नीड नहीं है, फिर भी लिखना है किसी को, लिखना है या बोलवा नहीं करो ध्यान देना या ना, नहीं नहीं, नहीं। काम चोर कहीं के तुम लोग ना लिख नहीं पाए करें, हाँ नहीं हाँ नहीं, चौथा लिखा है तुम अकेले तो काम काज में पूरे ग्रुप में बात नहीं सब काम चोर, चौथे पर आने लिखना टी इमेज ऑफ ए वन अल्फा वन, पर दादी अम्मा नहीं बोलेंगे, नहीं तो वीडियो में लोग कहेंगे ना प्रौढ़ शिक्षा अभियान चल रहा होगा, प्लस ए टू अल्फा टू प्लस सो ऑन प्लस ए एन अल्फा एन इज इक्वल टू ए वन टी इमेज ऑफ अल्फा वन प्लस ए टू टी इमेज ऑफ अल्फा टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एन टी इमेज ऑफ अल्फा एन। कोई चाहे ऐसे लिखो चाहे सिग्मा पर बांध करके लिख सकते हो,
वेयर यानी आगे बता देना वेयर के आई बिलोंग टू द फील्ड एफ, यहां पर सारे के सारे आई फील्ड एफ से बिलोंग करते हैं। एक लाइन में प्रूफ कर दो इसको। टी इमेज ऑफ ए वन एल्फा वन प्लस ए टू एल्फा टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एन एल्फा एन इज इक्वल टू, लिनियरिटी की प्रॉपर्टी से हम इसको लिख सकते हैं टी इमेज ऑफ ए वन एल्फा वन प्लस टी इमेज ऑफ ए टू एल्फा टू से चलते चलते प्लस टी इमेज ऑफ ए एन एल्फा एन दिस इज इक्वल टू। अब अपने को डेफिनेशन से पता है ए वन टी इमेज ऑफ एल्फा वन प्लस ए टू टी इमेज ऑफ एल्फा टू इस तरीके से चलते हुए सो ऑन प्लस ए एन टी इमेज ऑफ एल्फा एन प्रूफ हो गया। दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। Is a linear transformation such that t image of 1 plus x square is equal to 4, 5, 6, 0 and t image of 1 minus x plus x square is equal to 1, 2, 5, 7. Then, find the following. Then find the following. Pahla, t image of 1 plus x square. Dusra, t image of 1 plus 3x plus x square. Tisra, t image of x square. Chautha, t image of x. Numerical note karo, samjhate hain. Phir batate hain, kiya kya jayega, karna kya hai, hoga kya. P2 over R का मतलब समझ रहे हो? P2 over R collection of R polynomial at most degree over the real field. दूसरा M2 over R का मतलब collection of R 2 cross 2 real matrices over the field R है, तो इसका मतलब real matrix आप बटोरोगे। कह रहे हैं कि आपकी जो transformation है, आपका जो transformation है, कि आपकी जो mapping है और आपका जो transformation है, वो P2 over R से M2 over R के बीच में काम कर रहा है, और ये भी कह दिया ये लीनियर है, मतलब मुझको चेक नहीं करना, ऑलरेडी वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कहा गया है। लेकिन इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है कि वो दो एलिमेंट की दो मैट्रिक्स पर इमेज बना देता है। पहला एलिमेंट है 1 plus x plus x square, पर्टिकुलर एलिमेंट है, उसकी इमेज एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनाता है 4 5 6 0
और दूसरे एलिमेंट है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी इमेज बनाता है 1, 2, 5, 7। बस दो एलिमेंट आपको थमा दिया और दो एलिमेंट की आपको इमेज थमा दिया। और अब आपसे चार एलिमेंट दे करके चारों की इमेज पूछ रहा है। पहला एलिमेंट आपको दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कह रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इमेज क्या बनेगी? ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिया, सोचो अपने को ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिया गया, अपने को ये कहा गया ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन इन दिए गए दो एलिमेंट को कहीं ना कहीं पर मैप कर रहा है। जहां मैप कर रहा है वो जगह आपको बता दी गई है। अब आपसे कह रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इमेज निकालिए इस ट्रांसफॉर्मेशन से, 1 प्लस 3x प्लस x² की इमेज निकालिए इस ट्रांसफॉर्मेशन से, एक्स स्क्वायर की इमेज निकालिए दिए गए ट्रांसफॉर्मेशन से, और एक्स की इमेज निकालिए दिए गए ट्रांसफॉर्मेशन से। ट्रांसफॉर्मेशन तो दिया ही नहीं, मतलब हमको कहीं ना कहीं पर कुछ जोड़ तोड़ बैठा दी। या तो हम ट्रांसफॉर्मेशन को निकाल दें, और या तो हम एक रिलेशन ऐसा पा जाए जिस रिलेशन के थ्रू काम करते हुए हम इन एलिमेंट की इमेज निकाल सके। पहले न्यूमेरिकल नोट कर लो फिर शुरुआत करें। सब लोग नोट कर चुके? अब सुनो, एक कहानी होती है कि अगर आपको आधार के साथ बिहेव पता है, अगर आपको बेसिस के साथ अपना बिहेव पता है, तो आप किसी भी एलिमेंट का इमेज आप निकाल सकते हो। आपका ट्रांसफॉर्मेशन बेसिस के साथ कैसा बिहेव कर रहा है अगर वो पता है तो आप इमेज निकाल सकते हो। कोई आदमी तुम्हारे परिवार के साथ कैसा बिहेव करेगा ये तुमको पता है तो तुम्हारे साथ उसका बिहेव कैसा होगा ये तुमको लगभग पता रहता है। लगभग पता चल रहा है, वो आदमी कह रहा है तूने बाप का जहां दिखाई दे ना जान ले हम उनके भद्रा उतार दे, तो इसका मतलब है वो तुम्हारी ऑलरेडी उतार रहा है। और कहानी क्यों है भाई, वो सीधे सीधे धमकी दे रहा है कि आपके पिताजी हमको जहां भी भेंट वार्ता कर गए हम उनको ठेठ हिंदी में समझा देंगे। तो उनको ठेठ हिंदी में समझा रहा है मतलब तुमको समझा रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि भाई किसी के घर वाले उसके साथ गलत काम किए हुए हो तो पता चले अब बेचारा सुनबे कर रहा है गुटुर गुटुर करते हुए, हाँ भैया अब का करी पापे हैं। जैसे कई लोग होते हैं घर वाले कहीं पर कोई गेम अपना खेल दिए किसी के साथ गबन ओपन कर दिए तो बेचारा खड़ा होकर बतिया का करी यार बाप है मार छोड़ देवे उनका, ठीक है जो है एक दिन घर छोड़ देवे उनका। अब आप ये कह रहे लेकिन मतलब आप भी बेइज्जत हो रहे हो तो बिहेव तो वही है। सामने वाला तुरंत बोलता है कहता ना भैया जैसे बोले तुम्हारे संस्कार ऐसे इसीलिए तुम ऐसे बोल रहे हो, मतलब सीधे बेसिस पर ऑपरेट हो रहे। आप सीधे काम किस पर कर रहे हो? बेसिस पर कर रहे हो। सोचो हम इतना बेसिस कर रहे हैं, अगर किसी का दिमाग इन एग्जांपल से हट करके चला होगा तो एक बात समझ चुका होगा, पॉलिनोमियल दिया गया है एटमोस्ट डिग्री 2 का, दिया गया एटमोस्ट डिग्री 2, इसका मतलब इसका जो बेसिस रहा होगा 1 रहा होगा, एक्स रहा होगा एक्स स्क्वायर। हाँ यार, और एक चीज गौर करो ये जो दोनों एलिमेंट दिए गए दोनों में दोनों लोग सब तीनों लोग इन्वॉल्व हैं। 1 पता है, x पता है, x स्क्वायर पता है, ये 1x x स्क्वायर तीनों में शामिल है। इसका मतलब ना इन्हीं दोनों के बिहेव से इनका काम करना है, इन्हीं दोनों के साथ किए गए बिहेव से इनका काम करना है। और कैसे करेंगे वो सुनो, साफ बात है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन इन पर जो ऑपरेट करके रिजल्ट दे रहा है वो आपको पता है लेकिन बेसिस तो दिया नहीं गया। स्टैंडर्ड बेसिस 1x x² है लेकिन आपको यह भी नहीं कहा गया ना स्टैंडर्ड बेसिस के साथ क्या बिहेव है। क्या आपको यह कहा गया टी इमेज ऑफ 1 कितना है? नहीं दिया गया। क्या आपको यह कहा गया टी इमेज ऑफ x कितना है? नहीं दिया गया। क्या टी इमेज ऑफ x² दी गई है? पूछ रहा है, दिया नहीं गया, पूछ रहा है, दोनों पूछ रहा है। तो इसका मतलब या तो हम पहले इनको निकाल लें और फिर गेम खेलें, चाहे पहले इनको निकाल लें फिर अपना गेम खेलें, और चाहे फिर हम भारी भाई एक एक सबके लिए काम करते चले जाएं। मेरे लिए दोनों रास्ते अवेलेबल हैं, हम इनको 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 भी निकाल सकते हैं और इनके साथ भी काम कर सकते हैं। सुनना कैसे, इस एलिमेंट को उठाओ, इस एलिमेंट को, और इनके इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख डालो किसी तरीके से। इस एलिमेंट को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दो। जैसे हम लिख दे मान लो 1 प्लस x² कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a इंटू 1 प्लस x प्लस x² और प्लस b इंटू 1 माइनस x प्लस x² लिख दिया कि नहीं लिखा? हो गया। हमने 1 प्लस x² को a इंटू समथिंग प्लस b इंटू समथिंग, ये समथिंग समथिंग जो है ये आपको ऑलरेडी दिया गया है, ठीक, इनके कॉम्बिनेशन में लिख दिया। अब हम एक काम करते हैं, जब लिख लिया तो मेरे लिए कमी किसकी रहेगी? केवल a और b की ना, निकाल लेंगे a और b को, गणित वाले हैं हारेंगे थोड़ी, a और b को निकाल लिया जाएगा। और a और b कांस्टेंट के फैक्टर में आएंगे, कोफिशिएंट ही तो है, मान लो ये कांस्टेंट आ गया तो अब इस पूरे पर ट्रांसफॉर्मेशन t को ऑपरेट करा दो, तो t इमेज ऑफ दिस प्लस दिस पूरे पर t ऑपरेट कर दिया। हाँ या ना? और t को पहले ही कहा गया कैसा है, तो ये बन जाएगा a इंटू टी इमेज ऑफ
वन प्लस एक्स प्लस कितना एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू टी इमेज ऑफ वन माइनस एक्स प्लस कितना एक्स स्क्वायर। लेकिन तुमको पता ये तो मैट्रिक्स है, सामने लिखिए, और ये भी कौन है मैट्रिक्स, सामने लिखिए। तो कुल मिला के तुमको ए और बी निकालना है। ए निकाल करके पहली मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दो, बी निकाल के दूसरे में मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को जोड़ दो, दैट्स द इमेज ऑफ वन प्लस। पल्ले पड़ा, चलो शुरुआत करते हैं। एक ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है, आप 1 पर x पर एक्स स्क्वायर पर आप बिहेव निकाल, आपका ट्रांसफॉर्मेशन कैसा बिहेव करेगा, तब भी आपको यही करना पड़ेगा। दोनों क्या करना पड़ेगा, 1 को लिखो, 1 इंटू ए इंटू वन प्लस एक्स प्लस कितना एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू वन माइनस एक्स प्लस कितना एक्स स्क्वायर किया भी है। अच्छा, अब इसके बाद t को ऑपरेट करा दो, तो t इमेज ऑफ 1 इज इक्वल टू a बाहर t इमेज ऑफ दिस प्लस b बाहर t इमेज ऑफ दिस। ये कौन है मैट्रिक्स, वो कौन है मैट्रिक्स, a और b को निकाल के ऑपरेट करा लो, t इमेज ऑफ 1 मिल गया। ये एक ऐसा रूल है ना, अब आपको कोई भी कुछ भी दे देना आप तुरंत का तुरंत काम कर लोगे, क्योंकि ये t इमेज ऑफ 1 दे दिया। इसी तरीके से आप निकाल लो t इमेज ऑफ x, इसी तरीके से निकाल लो t इमेज ऑफ x स्क्वायर, तीनों इमेज आ गए। अब मुझको कोई कुछ भी दे, हम हर एक चीज की इमेज बोल सकते हैं। जैसे सामने वाले ने कहा इमेज निकाल भैया 2 प्लस 4x प्लस या माइनस 9x स्क्वायर, इसकी इमेज निकालो। हम क्या करेंगे, हम सीधे t को ऑपरेट कराएंगे। आप खुद कह रहे हो कि t कैसा है, लीनियर है, लीनियर है तो बन जाएगा t इमेज ऑफ 2 इंटू 1 हाँ है ना, प्लस 2 बाहर t इमेज ऑफ x माइनस 9 बाहर t इमेज ऑफ x स्क्वायर। यहां से 2 भी बाहर कर दे, कहां से, अच्छा ठीक है 4 बाहर, अरे भावनाओं को समझो, लेट 2 इज इक्वल टू 4 ये हुआ। अब ये बताओ t ऑफ 1 आप निकाले हुए हो, 2 गुणे 2 की मैट्रिक्स है, t ऑफ x 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, t ऑफ x स्क्वायर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, उठा करके मैट्रिक्स में, मतलब मुझको कुछ नहीं करना था, मुझको एक टाइम करना था, पहली मैट्रिक्स में 2 का, दूसरी मैट्रिक्स में 4 का, तीसरी मैट्रिक्स में माइनस 9 का मल्टीप्लाई करके ऐड करना था। इमेज मिल गई कि नहीं, माइनस 9 का मल्टीप्लाई करके ऐड करना था। अब तो तुम लोग सबको नहीं समझ रहे हो, भावना तो दूर की बात है, गजब उल्लू हो, अरे ये तो उल्लू मास्टर के उल्लू स्टूडेंट का गजब। चलो सॉल्यूशन, चलो 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 सॉल्यूशन करते हैं। पहला, किसकी इमेज पहले निकालनी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की ना, पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इन दिए गए दोनों नमूनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने की कोशिश होगी। लिखना, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस, यानी 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। भैया कोई ऐसा जिसको ये बात ना समझ में आई हो तो बता दे, सबको आ गई है, नहीं आई है तो काहे मुहम दही जमाए बैठे हो, हम जो अभी तक बोले ये बात समझ आई नहीं आई, कैसे इमेज निकाल रहे नहीं आई ना, तब मुहम दही जमाए बैठे हो, हम बता रहे ना, तुम पहले मेरी बात का जवाब दो, जब तुमको नहीं समझ में आया तो तुमको बोलना तो चाहिए कि नहीं बोलो। गवर्नमेंट मास्क लगाने को कही हुई है, लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं कही मास्क लगाने के बाद अंदर वाले मुंह को भी फेविक्विक से चिपका दिया जाए, वो तब भी बोला जा सकता है, घूम घा करके भी बोलोगे तब भी हमको समझ आएगा नहीं समझ में आया है, तीस पे कर रहे हो कब सीखोगे, बौरहे रह जाओगे आखिरी दम तक वही हाल रहेगा। आज खुद नहीं बोल रहे हो, कल क्लास में जब खुद पढ़ाओगे कभी और लड़का पूछेगा तो उसको तब भी आप चुप करा दोगे, कहोगे हम अपने नहीं पूछेगा तुम कैसे हमसे पूछ सकते हो, हाँ यार तुम लोग, हम पूरे के पूछे तब फिर पता चलता है, अभी अभी हम पिछवा आए पूछने के लिए भी एकाध लोग और निकलेंगे, उनको भी एकाध नहीं आधे लोग निकल जाएंगे जिनको नहीं आ रहा, लेकिन पूछेंगे नहीं ये लोग, आत्मसम्मान पे चोट लग जाएगी ना पूछ कर, करे क्या, कैटलरी बन जाएंगे, ग्रेविटी खींच लेगी इनको नीचे। इधर सुनो, इधर इधर सुनो, अभी ध्यान से सुनना, कैसे लिख रही मुझको पता नहीं, कैसे लिख रही मुझको पता ही नहीं, ठीक, हम तुक्का मार रहे हैं, तुक्का क्या है,
इन्होंने एक बात कही हुई है, बस एक बात नहीं दो बात कही हुई है, टी लीनियर है और टी दो एलिमेंट की इमेज को दो जगह पर भेज रहा है, दोनों जगह कहाँ भेज रहा है, मैट्रिक्स पर भेज रहा है, बस इतना इंफॉर्मेशन दी हुई है। एक तरफ कह रहे हैं जब आप टी इमेज ऑफ 1 + x + x² निकालते हो तो आपको मिलता है 4, 5, 6, 0। ये कौन है? ये एलिमेंट है, बेसिस तो नहीं कह सकते ना, एलिमेंट है। बेसिस इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये सिंपल सा एक सिंगल एलिमेंट है और मुझको पता है P2 ओवर R डायमेंशन क्या रखता है, तीन। तो बेसिस में क्या एलिमेंट चढ़ेंगे, तीन चढ़ेंगे। आपको केवल एक एलिमेंट है 1 + x + x²। दूसरा आपको दे रहा है टी इमेज ऑफ 1 - x + कितना x² करा। जब आप इस एलिमेंट को निकालते हो तो इसकी इमेज निकल करके आती है 1, 2, 5, 7। बस इतना ही कहा। तुम इन दोनों को लेकर के भी तो बेसिस नहीं कह सकते हो, कह सकते हो। डायमेंशन कितनी है, तीन। ये और ये एक दूसरे से एलाई है, ये और ये एक दूसरे से एलाई है। उसके बावजूद भी जो ये एलिमेंट तो मेरे हाथ आए, क्या तीन आए, तीसरा नहीं आया ना, तो तीसरा या तो वन अपनी मर्जी से ले ले तो कह दे वन इन लोगों से इंडिपेंडेंट है और उसके बाद फिर कह दे कि आपका बेसिस बन गया। लेकिन मुझको आज बेसिस का काम ही क्या है, आप तो बस इतनी बात इंफॉर्मेशन दे रहे हो, दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट की इमेज ये दोनों लोग आते हैं, बस इतना कह रहे हो। और उसके बाद तुरंत आप पूछ ले रहे हो इस एलिमेंट की इमेज कितनी आएगी, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया क्लियर है। अगर आप ऐसा करके पूछ रहे हो तो पक्का ये एलिमेंट इन दोनों से किसी ना किसी रिलेशन से जुड़ा होगा, किसी ना किसी रिलेशन से जुड़ा होगा। अगर जुड़ा होगा तो इन दोनों की इमेज के आधार पर हम इसकी इमेज को बता देंगे, इन दोनों की इमेज के आधार पर इसकी इमेज को बता देंगे। ये मान लो एक क्लास चल रही है, क्लास में मास्टर गलते गलत पढ़ा रहा है, मान लो हम ही है गलते गलत पढ़ा रहे। एक आया कोई यहाँ पर ना चेकिंग वोकिंग करने वाला, पीछे बैठ गया लड़कों के बीच में, सुन रहा है, सब गलत पढ़ा रहे, एक तरह से गलत पढ़ा रहे, वेक्टर स्पेस को फील्ड बता रहे, फील्ड को वेक्टर स्पेस बता रहे हैं ना, लीनियर अलजेब्रा को अलजेब्रा बता रहे, अलजेब्रा लीनियर अलजेब्रा बता रहे, सब गलत बता रहे, फिर भी लड़के हाँ सर जी समझ आ गया, हाँ सर जी समझ आ गया। तो आप सोचो मुझको देख करके सबकी इमेज बन गई, मास्टर उल्लू है, गलत सलत पढ़ा रहे, सारे लड़के गधा है, कभी कुछ पढ़वे नहीं किए हैं, ये भी गलते पढ़ रहे हैं, करें हाँ सर जी समझ आ गया। तो सोचो एक आदमी की इमेज से बाकी सबकी इमेज निकली, मतलब एक लोगों से बाकी लोग रिलेट कर रहे हैं, यही हाल यहाँ पर हो रहा है। कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, बस दो एलिमेंट दे दिया, दो एलिमेंट की इमेज आपको थमा दिया और कह रहा है इस एलिमेंट की इमेज बताइए। तो जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है एक इंफॉर्मेशन के अलावा कि आपका टी लीनियर है, तो मेरे पास बस दिमाग में एक बात कुरेदती है, इसका मतलब 1 + x² कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिलेशन से इन दोनों से बंधा हुआ है, किसी ना किसी रिलेशन से। रिलेशन कौन है लीनियर अलजेब्रा में, आप या तो इन दोनों का मल्टीपल होगे या तो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन होगे, इसके अलावा कोई और रिलेशन होता है लीनियर अलजेब्रा में, नहीं होता। तो इसका मतलब हम उठा करके तुमको कहते हैं कि तुम इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में मान लिया लिखे जा सकते हो। देखो आगे क्या लगा है, लेट मान लिया, अगर ए और बी की वैल्यू आ गई तो बिल्कुल उसी ए और बी की वैल्यू के लिए आप इनके कॉम्बिनेशन में आ सकते हो। अगर वही नहीं आई, सिस्टम इनकंसिस्टेंस हो गया, वैल्यू ही नहीं आई, तो इसका मतलब ये इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा नहीं जा सकता। तो हम एक बात लिखेंगे, दी गई इंफॉर्मेशन कम पूरी तरह से, दी गई इंफॉर्मेशन पूरी तरह से सही नहीं है, अभी भी इसमें डेटा की कमी महसूस हो रही है, आप और डेटा दीजिए, क्योंकि आपने सिर्फ दो लोगों की इमेज दे करके चार लोगों की इमेज को पूछ लिया है। तो इसका मतलब जिन चार लोगों की इमेज आप पूछ रहे हो ना, या तो वो चार लोग इन दोनों लोगों से रिलेशन में होने चाहिए, या तो होने चाहिए, या तो इन दोनों का रिलेशन ऐसा होना चाहिए जो बेसिस की इमेज को दे सके, मतलब बेसिस इन लोगों के रिलेशन में होना चाहिए। जब तक रिलेशन नहीं होगा तब तक आप क्या बता सकते हो, कुछ नहीं। तो हम लोग ना अपने मन से एक रिलेशन तैयार कर लेते हैं, माना 1 + x² = a (a)(b)(c). अब मेरा मेन टास्क होगा पहले ए और बी निकालना, इमेज नहीं निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, ए और बी, क्योंकि पहले तो ये साबित करें ना क्या तुम्हारा इनसे रिलेशन है भी या नहीं भी। अगर रिलेशन नहीं है तो दिया गया डेटा इनसफिशियंट है, उससे हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में, ये मेन है, इसीलिए आगे लेट लगा हुआ है। क्लास में पूछना सीख लो, नहीं कल को खुद पढ़ाओगे ना तो बताना नहीं सीख पाओगे। आई बात समझ में, पूछना बड़ा जरूरी है, पूछना नहीं आया तो बताना कभी नहीं आएगा। हाँ, मेरा एक फ्रेंड डिग्री पास में पढ़ाना शुरू किया, मेरे बात शुरू किया 2 साल के बाद, हम इधर पढ़ाना शुरू कर चुके थे। उसके बाद उसको लोगों से बात करने में बड़ा झेट महसूस होता था, वो तो किसी से बतियाने ना चाहे, कहता तो यार मुझे हमसे स्टूडेंट सवाल पूछने आते हैं मेरा तरवा कांपने लगता है। हम क्यों, एक दिन कांपे, दो दिन कांपे, तुम आज
एक साल हो गया पढ़ाते हुए तुमको, उसके बाद भी तुम्हारा पैर काँप रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप कर पा रहे हो। कहे नहीं यार, मतलब कोई सवाल पूछने लड़का आता है तो भी मेरी हालत खराब हो जाती है, लड़की सवाल पूछना है तो मेरा गला सूख जाता है। अब यार गजब आदमी हो ना, तुम ये बताओ, हम उसको यही कहे, हम कहे तुम ये बताओ, सामने जो तुमसे सवाल पूछने आया है तुम्हारा उससे कोई रिलेशन तो है नहीं, वो लड़का हो या लड़की हो कोई रिलेशन नहीं है। भाई जिसका आपसे रिलेशन होता है उससे बात करने में एक संकोच लगता है, मान लो मेरा किसी के साथ कोई एंगल है तो उससे बात करने में मुझको संकोच होगा, क्यों? शब्द को तोल मोल करके बोलना पड़ेगा। तुम तो एज ए स्टूडेंट हो, एज ए स्टूडेंट हो तो तुमसे मेरा कोई रिलेशन है नहीं, तो अभी उस बात है तुम हमसे कोई भी सवाल पूछोगे तो हमको बहुत तोलना मोलना नहीं है उसमें, कि मतलब हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करें तुमको बुरा लग जाए, कौन सा इस्तेमाल करें तुमको अच्छा लग जाए, बस हमको एक क्लास की मर्यादा के तौर पर बात करनी है, कि क्लास की मर्यादा बनी रहे, ये नहीं कि कोई सवाल पूछना है और यार बड़े दिन बाद मुझसे सवाल पूछना है यार तुम भी ना, चल नहीं क्या क्या खाते हैं, ये तो नहीं हो सकता ना। बात तो अपने लोग नॉर्मली करें ना, हाँ कहाँ नहीं समझ में आया ये पूछे ना, कहाँ नहीं समझ में आया बताओ कहाँ नहीं आया। अब उसमें भी पता चले दो बार आदमी घबराता है, या तो सामने वाले के साथ उसका कोई रिलेशन है तब घबराएगा, बहुत सीधी बात है, और या तो उसका कॉन्सेप्ट कमजोर है तब घबराएगा। कॉन्सेप्ट कमजोर है बिल्कुल वो सुधारा जा सकता है, वो एक बार में कोई पढ़ाएगा, हम भी जब पहली बार पढ़ा रहे थे तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते थे, हाँ आप नए नहीं क्लियर होते थे, हम भी जब अपनी पहली क्लास में गए थे, हम एक्सेप्ट करते इस बात को, जब पहली क्लास में गए थे बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ाने के लिए, सामने 465 उस दिन बैठे थे, 465 स्टूडेंट की क्लास में आपको खड़ा कर दिया जाता है, पेपर दिया जाता है आपको थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, और हालत खराब होती है, आप एमएससी करके आए हो ना, एमएससी का मतलब ना प्रवक्ता की डिग्री है, लिखा जाता है ना मास्टर इन साइंस, वो प्रवक्ता कहते हैं उसको हिंदी में, मास्टर तो हो गए अपने यहाँ, जैसी पढ़ाई होती है जैसा मास्टर होता है सबको पता है ना, सर्कस का मास्टर ढेर होता है वैसा मास्टर कम होता है, तो हमारे भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर थे। 15 मिनट मेरी हालत, 1 घंटे 20 मिनट की मैथ की क्लास ना आता रहे ना तो तुम्हारे लिए गणित में 5 मिनट बोर्ड पर खड़े होना भारू हो जाता है, और 1 घंटे 20 मिनट की क्लास है, अथवा बोलो कांप रहा था, ये नहीं कि नहीं आ रहा था, इतने लोगों को पहली बार फेस कर रहे थे, पहली बार हाथ पैर कांप रहा था, लेकिन 15 मिनट के बाद ना साइकोलॉजिकली अपने आप को समझाए कि सामने जो बैठे हुए हैं या 2012 में बीएससी फर्स्ट ईयर कर रहे हैं और हम 2012 में एमएससी करके इनको पढ़ाने आए हैं, मतलब 3 साल की बीएससी में या अभी पहले साल में हैं और हम 3 साल की बीएससी पास करके 2 साल की एमएससी पास करके इनको पढ़ाने हैं, हम इनसे 5 साल आगे हैं, ये साइकोलॉजिकली बात ना, खुद से बात की कि हम इनसे 5 साल आगे, 5 साल इनके पास फर्स्ट ईयर का सिलेबस इन्होंने अभी देखा नहीं है और हम उसको पढ़ करके आए हुए हैं, तो इसका मतलब है इनसे कोई भी सवाल होगा अगर मुझको नहीं आ रहा है हम इनको सवाल में घुमा देंगे, हमको नहीं आएगा हम इनको सवाल में घुमा देंगे, अब उसके बाद हम इनको कल पढ़ करके बता देंगे। ये होता ना, आपको कॉन्फिडेंस लेना पड़ता है, ये नहीं कि मतलब खड़े हो गए उसके बाद हरे माई रे का करी हरे माई रेखा थोड़े हो पाए, कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा, ये चीज ना एक दिन में नहीं आती, आपको शुरू से ही इस बात की आदत डालनी पड़ती है, एक दिन में किसी को नहीं आता, लेकिन 15 मिनट का था ना मेरे पैर नहीं कांपे, फिर किसी क्लास में नहीं कांपे, ये हम अपने आप को समझा लेंगे, यही बात हम सामने वाले से चाहते हैं कि सामने जो स्टूडेंट बैठा है वो सवाल पूछने में ना हेजिटेशन फील करे, तुम आज सवाल पूछने में हेजिटेशन फील करो कल को तुम क्लास में खड़े होगे तुमको क्लास में हेजिटेशन फील होगी बतियाने में ना, हम किसी भी क्लास में हमको कोई कहता नहीं तुम पुराने हो गए पढ़ाते पढ़ाते, नहीं तुम हमको कहीं पढ़ना एकदम नई की क्लास में ला करके पटक दो, एकदम नई क्लास में हम उधर भी अब बिना हेजिटेशन के पढ़ाएंगे, क्यों? मुझको अब साइकोलॉजिकली हम इस बात को मान चुके हैं, हम पढ़ा रहे हैं और सामने वाला पढ़ रहा है, मेरे उसके बीच में यही एक डिफरेंस है, हम पढ़ा रहे हैं सामने वाला पढ़ रहा है, हम अपनी पूरी पहली की क्लास, हम कभी ऐसा नहीं किया ना कि पहली क्लास शुरू किए और उसके बाद भाई कितने परसेंटेज थे भैया कितने परसेंटेज थे, नहीं पूछते हम आज तक किसी के नाम तक नहीं पूछे तुम्हारा नाम क्या है, इसीलिए नहीं पूछते हैं क्योंकि ना नाम पूछ करके क्या करेंगे, कौन ऐसा तो है नहीं कि मतलब कल को तुमसे यार दोस्ती करनी है, नहीं नाम क्या पूछना, मेरा काम पढ़ाना तुम्हारा काम पढ़ना, पढ़ो तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, शक्ल पहचान रहे हैं रास्ते मिलोगे, नमस्ते किए तो किए नहीं किए तो नहीं किए, हम उसका भी नहीं ध्यान देते कि सर जी नमस्ते नहीं किया लड़का किए कहीं ना नहीं किए, वो तुम्हारा अपना मेरा अपना ना बस बात खत्म, वैसे भी अर्थपूर्ण जगत है, अर्थपूर्ण जगत में ना गुरु गुरु नहीं गुंडा हो गया क्या ही चलो इधर सुनो, अब ये बात पल्ले पड़ी, इतना समझाने के बाद जरूर आ जानी चाहिए, हम एक रिलेशन की तलाश कर रहे हैं, बस मिला नहीं तलाश है, बस सभी को कुछ तलाश है, दिस इंप्लाइज दैट 1 + x² = सुनो इधर कौन है
वन प्लस एक्स स्क्वायर। इधर भी ऐसा कुछ तैयार पर व्यवस्था की पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट का कंपैरिजन कर सकते हो। पहले सुनो, पहले वन का कोफिशिएंट खोजो, ये रहा। तो इधर से ए प्लस बी, दैट्स द कांस्टेंट पार्ट। जिनको दिक्कत लगे ना वो ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। अब एक्स की बारी, प्लस ए यहां से और यहां से माइनस बी, और बाहर कौन आया एक्स, प्लस यहां से ए प्लस बी और बाहर कौन आया एक्स स्क्वायर। क्या ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल? कोफिशिएंट का कंपैरिजन किया जा सकता है। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब पहले कांस्टेंट फैक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू वन आया, दूसरे से a माइनस बी इज इक्वल टू जीरो आया, और तीसरे से a प्लस बी इज इक्वल टू वन आया। ये बताओ, ये भी a प्लस बी इज इक्वल टू वन, ये भी a प्लस बी, तो ये तो डिपेंडेंसी है, हटा दें इसको, इसकी कोई जरूरत नहीं। यानी दिस इंप्लाइज दैट, फाइनली दिस इंप्लाइज दैट a प्लस बी इज इक्वल टू वन और a माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। ये कहता है a बराबर b, अगर ये कहता है a बराबर b, तो आपको a बराबर b का मतलब 2a is equal to 1, यानी a is equal to 1 by 2, तो b भी कितना 1 by 2। Solving these, a is equal to 1 by 2, b is equal to 1 by 2, मिला ना? ये बताओ constant मिले ना? इसका मतलब इनका आधा जोड़ोगे तो ये तैयार हो जाएगा, है relation, ये dependent है इन दोनों लोगों पर। This vector can be written as a linear combination of these two vectors, यही inconsistence आ जाता ना? तो कोई और रास्ता तलाश करते, क्योंकि तब ये इन दोनों से रिलेशन में जुड़ा हुआ नहीं। रास्ता मिलता तो ठीक, अदरवाइज कह देते इनसफिशिएंट डेटा। बात खत्म होती पर लिखो, देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए रख रहे हैं वन अपॉन टू इन टू, दो मिनट इधर रुको, इधर आओ, इधर इधर आओ, पहले हम ये वाली बात लिख रहे वन अपॉन टू इन टू वन प्लस एक्स प्लस कितना एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू इन टू वन माइनस एक्स प्लस कितना एक्स स्क्वायर। अब पहले इतने तक लिख डालो तब हम आगे चलेंगे, पहले इतने तक वो बंदा टीचिंग छोड़ दिया, उसका बैंकिंग में हो गया, अब बैंक कहाँ था? नहीं, वहाँ काउंटर के पीछे है ना, वहाँ के पीछे बतियाना नहीं, फिर धीमे 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 आदत पड़ जाती है, लोग बतियाने जाते हैं। विपिन जब पहली बार पढ़ाना शुरू किया था, नए विपिन ना, तब हम अपने घर पर पढ़ाते थे और हमको बंद करके दिल्ली जाना था, तो विपिन भाई नए नए ही शुरू किए थे, सबको नए में एक बार घबराहट होती है, हमको होती है, हम तो बता रहे हैं 15 मिनट तक खूब झेले थे इस बात को, 15 मिनट तक दोनों पैर कहाँ पर आता, कैसे कंट्रोल किया हम ही जानते हैं, ऐसे विपिन मेरे घर पे गए, तो ये हुआ कि अनुभव तक दिल्ली जा रहे हैं, तो मेरे पास जो लड़के पढ़ते थे वो सिर्फ मैथ पढ़ने आते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे यहाँ थी नहीं, तो ये हुआ कि उनको एक बार ये कह दिया विपिन पढ़ाते हैं, तो उसके बाद फिर वो विपिन के यहाँ पे अगर चाहे तो विपिन के पास फिजिक्स पढ़ते, विपिन शिक्षा पढ़ाते थे वही गली में तब चलती थी। मेरी आदत है नहीं किसी को ये कहने की तुम यहाँ पढ़ लो वहाँ, तो हम विपिन से कहे मनीष से कहे, हम कहे विपिन को लेकर के आ जाना, विपिन खुद अपने मुंह से बोल देंगे, और वो रहेंगे तो सामने टीचर बात कर रहा है लड़कों से वो उनके जैसा जाएगा, हम कहेंगे तो ये प्रमोट करना होगा कि हम किसी को प्रमोट करें, हम अपने यहाँ के लिए नहीं कह, दूसरे के यहाँ के लिए नहीं कह सकते। विपिन आए मेरे यहाँ की क्लास, वो फोटो वाली हाल ना भरी हुई थी, अब विपिन अंदर घुसना, विपिन को अंदर घुसने का रास्ता नहीं था, फिर धीमे से घुसे, विपिन बोलना शुरू किया, विपिन की गला एकदम सूख गया, आवाज लड़खड़ाने लगी तुरंत ना, नए नए पर ये दिक्कतें होती हैं, एकदम आवाज लड़खड़ा दी थी पूरे तरीके से, वो पता चला, फिर संभाल करके बोल ले गए, चूंकि क्लाइन पढ़ाते थे, एक होता आप नई जगह पर जा रहे हो, आप भीड़ के सामने जा रहे हो, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो वहां पर इनका गला भी सूखा हुआ था, ऐसा नहीं सबके साथ होता है, किसी एक के साथ नहीं होता है, लेकिन आते डालनी पड़ती है, ये याद रखना। अब पूरे पर ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करो, सुनो नाउ टी इमेज ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी इमेज ऑफ वन अपॉन टू ऑफ वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू ऑफ वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा दिस इज इक्वल टू, ये बताओ वन अपॉन टू बाहर आ गया क्योंकि कैपिटल टी लीनियर है,
और टी इमेज ऑफ वन प्लस एक्स प्लस कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू फिर से बाहर आया टी इमेज ऑफ वन माइनस एक्स प्लस कितना होगा एक्स स्क्वायर लेकिन आपको दिया गया इन दोनों का मान दिया गया है सामने मौजूद दिस इज इक्वल टू वन अपॉन टू मैट्रिक्स फोर फाइव सिक्स जीरो और प्लस वन अपॉन टू मैट्रिक्स वन टू फाइव सिक्स जरा भैया हाँ सेवन जरा पूरे पर दो से डिवाइड लगा करके ऐड कर दो ये आपके पास हुआ टू चार बटे दो का मतलब दो और ये एक बटे दो टू प्लस वन अपॉन टू दो दूनी चार एक पांच फाइव बाई टू पहला तो आपका हुआ फाइव बाई टू दूसरे पर आना फाइव बाई टू प्लस वन दो दूनी हाँ सेवन बाई टू इलेवन बाई टू और ये कितना सेवन बाई टू ये मैट्रिक्स आई इसका मतलब जब आप एलिमेंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इमेज निकालते हो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इमेज दूसरी तरफ एक मैट्रिक्स है सोचो पॉलिनोमियल की इमेज मैट्रिक्स बन रही है ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है तो पॉलिनोमियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इमेज दूसरी तरफ एक मैट्रिक्स आएगी 5 बाई टू सेवन बाई टू इलेवन बाई टू सेवन बाई टू नोट करो फटाफट दूसरा और निकाल रहे हैं सुनो दो हम करा रहे हैं दो तुम्हारे लिए होमवर्क है ठीक है लगा लोगे आंसर बताएं आंसर बताएं ना ठीक है फिर बाकी तीन होमवर्क है और होमवर्क करके ग्रुप में अपलोड करो जो ग्रुप बना है उसमें अपलोड करो लगेगा बिल्कुल ऐसा ठीक है और ये मान करके चलना डेटा इनसफिशियंट नहीं है हर बार आपको रिलेशन मिल जाएगा ठीक ए और बी की वैल्यू कलेक्ट करना बस मैंने